सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अप्रिलिया RS 457 क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों रिसेंटली मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था कि भाई अप्रिलिया ने आपको खरीद लिया है क्या, क्योंकि आप बस तारीफ ही करते रहते हो। कुछ तो नेगेटिव होगा, कुछ तो माइनस पॉइंट होंगे जो आपको बताने चाहिए। कोई सेंस है इस बात? तो आज की वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर यू बाय अप्रिलिया RS 457। एंड दोस्तों ऐसे काफी सारे कमेंट मुझे रिसेंटली रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए इसके ऊपर और आपको बताने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको माइंड में रखने चाहिए बिफोर यू बाय अप्रिलिया RS 457। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड दोस्तों मैं पहले ही बता दूं यार, अप्रिलिया RS 457 ना एक बहुत ही अच्छी बाइक है। जिस प्राइस पॉइंट पर आती है ये बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है, बहुत ही अच्छी पावर फिगर रखती है एंड बहुत ही अग्रेसिव लुकिंग बाइक है। एंड यार ये फुल पैकेज है अगर आप एक मिनी स्पोर्ट्स बाइक ढूंढ रहे हो तो। एंड दोस्तों नेगेटिव और आप कह सकते हो माइनस पॉइंट बहुत कम है RS 457 में, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्राइस पर आपको इतनी अच्छी बाइक मिल रही है इटालियन ब्रांड के साथ, तो यार यही अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको खरीदने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं उन पॉइंट्स की। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैं ना दिल्ली में रहता हूँ, साउथ दिल्ली में, और मुझे 5 से 6 साल हो गए मोटरसाइकिल करते हुए, जिसमें मैंने काफी सारे ट्रिप करे हैं इंडिया में, लद्दाख, मनाली, रोहतांग पास, मैंने काफी सारी राइड करी है। एंड ऑनेस्टली दोस्तों इस 5 से 6 साल के बीच में ना मैंने काफी सारी संडे राइड वगैरह भी करी है, काफी जगह ट्रेवल करा है, लेकिन ऑनेस्टली मैंने आज तक अप्रिलिया की बाइक अपने सामने कोई नहीं देखी। अब आप इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हो या फिर कुछ और भी कह सकते हो, बट आई हैव नेवर सीन एनी अप्रिलिया बाइक इन फ्रंट ऑफ मी। एंड अगर आपने देखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इस पॉइंट को मेंशन करने का मेरा रीजन यही है कि दोस्तों अगर हम देखें कि यार ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, राइट, एक कम्प्लीटली न्यू बाइक है जो कि हम यूजली देखते भी नहीं है। एंड दोस्तों ऐसा नहीं है कि अप्रिलिया इससे पहले कोई भी बाइक इंडिया में नहीं लेके आया था। देर आर मेनी बाइक्स विच अप्रिलिया लॉन्च्ड इन इंडिया, बट एज यू नो दोस्तों बहुत ही कम लोग हैं जो अप्रिलिया को ओन करते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया, मैंने आज तक कोई अप्रिलिया की बाइक नहीं देखी है, देखी होगी मे बी हार्डली, बट आई डोंट रिमेम्बर दैट। तो दोस्तों मेन चीज अवेलेबिलिटी है कि बहुत जगह ये अवेलेबल नहीं होगी। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम निकल कर आती है, मान लो अगर कोई कंपनी न्यू बाइक लॉन्च करती है एंड इस बाइक पर आप 5 लाख रुपए खर्च करने वाले हो, एंड जैसे कि आप जानते हो कि एक नई बाइक है, तो इन केस अगर ये बाइक डिसकंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि अप्रिलिया की बाइक एज यूजुअल हम रोड पर नहीं देखने के लिए मिलती है, और इसके अगर हम शोरूम्स की बात करें अप्रिलिया जिसमें बाइक्स वगैरह अवेलेबल होती है वो भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर हम देखें तो स्पेंडिंग 5 लाख रुपीज ऑन अ न्यू बाइक विच मे डिसकंटिन्यू इन फ्यूचर थोड़ा रिस्की हो सकता है। एंड ये हमारे को माइंड में रखना चाहिए इसको खरीदने से पहले, क्योंकि दोस्तों अगर आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च भी करोगे, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, तो आपको पता चलेगा अप्रिलिया बाइक्स के जो इंजन होते हैं दे आर नॉट दैट रिलायबल। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि यार इसको बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, कि अगर यार ये बाइक नहीं चलती है और ये डिसकंटिन्यू हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसकी सर्विस से रिलेटेड, इसके पार्ट अवेलेबिलिटी से लेकर। एंड दोस्तों ऑल्दो दिस बाइक इज मेड इन इंडिया, बट आई मस्ट से कि भाई इसकी जो अवेलेबिलिटी होगी सर्विस की वो हर जगह अवेलेबल नहीं होगी। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप कहीं टूर वगैरह करते हो इस बाइक के साथ, एंड इन केस अगर कोई भी इशू आ जाता है बाइक में, जो कि ऑफ कोर्स आता ही है, चाहे कोई भी आप बाइक लो उसमें इशू आ जाता है, तो आपको सीधा टो ही कराना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यार अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस और पार्ट्स आप कह सकते हो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपके लिए अवेलेबल हो, एंड हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। बट येस आई वॉन्टेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट, क्योंकि दोस्तों जब आप बाइक ले रहे हो तो ऑफकोर्स आप घर में रखने के लिए तो नहीं ले रहे होगे, तो अगर आप बाइक ले रहे हो तो उसके साथ ट्रैवल करोगे, उसके साथ घूमोगे। बट येस दोस्तों आई फेल्ट कि यार येस हमारे को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए बिफोर वी इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज़ फॉर अ बाइक। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप इस बाइक की ऑन रोड प्रेजेंस देखें या फिर हिडन पे जिसमें एक्चुअल में कोई इसको चला रहा है रोड पर, तो आपको फील होगा कि यार ये बाइक ना काफ़ी स्मॉल है, मतलब ये बाइक बहुत बड़ी नहीं लगती है, ये काफ़ी बड़े साइज़ की नहीं लगती है। स्पेशली अगर आप एक टॉल राइडर हो तो आपके लिए ये बाइक बहुत ही छोटी फील होने वाली है। जैसे कि आप जानते हो कि R15 का जो फर्स्ट वर्जन था उसको भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी शॉर्ट सी दिखती थी वो, आगे से छोटी सी, एंड उसके बाद यामा ने उसको ठीक करा। सो सेम अगर आप पिक्चर्स वगैरह को आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या वीडियोस देखोगे, सारी वीडियोस जब आप देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि यस यार ये बाइक काफ़ी छोटी देखने के लिए लगती है, मतलब अग्रेसिव है, लुकिंग बहुत ही अच्छी है, बट यस इट लुक्स कॉम्पैक्ट एंड इट लुक्स स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। बट यस दोस्तों अगर आप एक टीनेजर हो तो ये बाइक आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। उसी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि यार ये एक पैरेलल ट्विन इंजन है, बट अगर आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुनोगे तो यार इट साउंड्स लाइक अ वी क्रॉस इंजन,
राइट, मतलब उतना रिफाइन साउंड नहीं करता, थोड़ा रंबल सा करता है ये इंजन, और आप कह सकते हो एग्जॉस्ट। तो वो स्मूथनेस जो आपको पैरेलल ट्विन इंजन में देखने के लिए मिलती है, जो चाहे आप जीटी की बात करो या फिर सुपर मीटियोर वगैरह की बात करो, तो उनका जो साउंड होता है वो कमाल का होता है, और इसका जो साउंड है वो थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब इतना कुछ खास नहीं लगा देखने के लिए। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों, ऑल दो ये बाइक अप्रॉक्स टू 5 लाख रुपए की आती है, और इससे सस्ती आपको KTM RC 390 मिल जाती है, लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो KTM 390 RC में आपको ज़्यादा फीचर देखने के लिए मिलते हैं Aprilia RS 457 से, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बहुत जल्दी कंपैरिजन भी लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप जानते हो KTM की RC 390 में आपको मिल जाता है एडजस्टेबल सस्पेंशन, उसी के साथ IMU और बहुत सारे फीचर जो हैं आपको KTM RC 390 में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको Aprilia RS 457 में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये बाइक एक्सपेंसिव भी है राइट, बट इट हैज़ लेस फीचर देन KTM RC 390। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, उसमें आपको बताएंगे कि यार क्या फीचर्स इसमें हैं या क्या फीचर्स इसमें नहीं है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। बाकी दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो Aprilia RS 457 के, आप कह सकते हो नेगेटिव या पॉइंट्स ऑफ हाईलाइट जो आपको सोचने चाहिए बिफोर यू बाय Aprilia RS 457। एंड जैसे कि हमारे को कॉमेंट आया, हमारे भाई ने कॉमेंट करा, तो आई होप उनको भी इस बात का आंसर मिल गया हो। इन केस अगर आप भी कोई पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड दोस्तों दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो, बहुत ही जल्दी इस बाइक का राइड रिव्यू लेकर आएंगे, क्योंकि यार जैसे कि आप जानते हो हमारे एक फ्रेंड ने इस बाइक को बुक भी कर दिया है, तो काफी जल्दी हम डिलीवरी भी लेंगे, एंड देखते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगी, तो इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती ही रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी you।